नमस्कार दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारत और भारत के पश्चिम बंगाल में होने वाले सबसे बड़े महापर्व दुर्गा पूजा के बारे में। तो भाई सीट बेल्ट लगा लो और चलो वीडियो को शुरू करते हैं, और जो लाल वाला घंटी है उसको नहीं दबाया तो उसको दबा दो। चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, दुर्गा पूजा का पर्व हिंदू देवी दुर्गा की बुराई पर विजय के रूप में मनाया जाता है। पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, झारखंड, मणिपुर, ओडिशा और त्रिपुरा आदि भारतीय राज्यों में बड़े धूमधाम से मनाई जाती है, जहां इस समय 5 दिन की एनुअल छुट्टी भी रहती है। नव दुर्गा, नवरात्रि और दुर्गा पूजा नाम चाहे जो भी हो, लेकिन इन 9 दिनों में जो चहल पहल और रौनक देश भर में दिखाई देती है वह माहौल को भक्तिमय बना देती है। इन सब में सबसे ज़्यादा आकर्षक और खूबसूरत परंपरा जहाँ नज़र आती है वह है पश्चिम बंगाल की दुर्गा पूजा। आंखों के सामने आने लगते हैं राजमहल जैसे पंडाल, पूजा की पवित्रता और रंगों की छट्टा, तेजस्वी चेहरे वाली देवियाँ, सिंदूर खेला, धुनुची नृत्य और भी बहुत कुछ ऐसा दिव्य और अलौकिक जो शब्द में ना बाधा जा सके। पंडालों की विशेष डिजाइन और पूजा की पवित्रता कोलकाता और समूचे बंगाल को नवरात्रि के दौरान खास बना देते हैं। इस त्यौहार के दौरान यहाँ का पूरा माहौल शक्ति की देवी दुर्गा के रंग में रंग जाती है। बंगाली हिंदुओं के लिए दुर्गा पूजा से बड़ा कोई उत्सव नहीं है। 2021 में यूनेस्को ने बंगाल के दुर्गा पूजा को अपने वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया। उसी की खुशी में बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 2 सितंबर को रैली भी निकाली और यूनेस्को को धन्यवाद दिया। ममता में अष्टमी के दिन अष्टमी पुष्पांजलि का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन सभी लोग दुर्गा को फूल अर्पित करते हैं। इसे माँ दुर्गा को पुष्पांजलि अर्पित करना कहा जाता है। बंगाली चाहे किसी भी कोने में रहे पर अष्टमी के दिन सुबह सुबह उठकर दुर्गा को फूल जरूर अर्पित करते हैं। दुर्गा पूजा त्यौहार का आखिरी दिन दशमी होता है। इस दिन बंगाल की सड़कों में हर तरफ केवल भीड़ ही भीड़ दिखती है। इस दिन दुर्गा की मूर्ति का विसर्जन किया जाता है और इस तरह दुर्गा अपने परिवार के पास वापस लौट जाती है। दशमी के दिन महिलाएं सिंदूर खेला खेलती हैं। इसमें वह एक दूसरे पर सिंदूर से एक दूसरे को रंग लगाती हैं। बंगाल का सच्चा और पवित्र सौंदर्य देखना है तो इन 9 दिनों में कोलकाता अवश्य जाना चाहिए। जैसे गुजरात में गरबा की चमक दमक होती है, वैसे ही पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा की चहल पहल देखते ही बनती है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं एक नए वीडियो में। धन्यवाद।